तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में अलसी के फ़ायदे अथवा अलसी के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे, उसके पश्चात हम इसके नुकसान के बारे में बात करेंगे। अलसी को हजम होने में थोड़ा समय लगता है। इसके अंदर सभी पोषक तत्व और काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। अलसी का सेवन करने के बाद आपको भूख कम लगती है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। ऐसा होने की वजह से आप खाना कम खाते हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न बैलेंस रहता है और आप मोटापा से दूर रहते हैं। एक शोध से यह बात सामने आई है कि अगर आप रोज़ाना एक चम्मच अलसी खाते हैं तो आपका वज़न कम होने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि अलसी को हम कैसे खाएं, तो हम आपको बता दें कि अलसी का कई तरह से सेवन किया जा सकता है। आगे हम आपको कुछ तरीकों के बारे में बताएंगे सेहत से संबंधित। अलसी के फ़ायदे उठाने के लिए आप इसका कई तरह से सेवन कर सकते हैं। आप अलसी को कच्चा खा सकते हैं, आप अलसी को भूनकर या सेक कर खा सकते हैं, आप अलसी को पीस कर दही से में मिलाकर खा सकते हैं, या फिर अलसी को जूस में मिलाकर पी सकते हैं, आप अलसी के पाउडर को स्मूदी में मिलाकर पी सकते हैं, आप अलसी को मिल्क शेक में मिलाकर पी सकते हैं, आप अलसी को चिकन या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं, आप अलसी के बीज के तेल को सलाद में डालकर खा सकते हैं, आप अलसी के पाउडर को गर्म अनाज में मिलाकर खा सकते हैं, आप अलसी को ठंडी दलिया पर डालकर खा सकते हैं, आप अलसी को कुकीज या केक के साथ मिलाकर खा सकते हैं। इन लोगों को अलसी के सेवन से परहेज करना चाहिए। अब हम आपको इसके नुकसान के बारे में थोड़ा बताएंगे। अलसी के फ़ायदे काफ़ी हैं, लेकिन यह कुछ लोगों को इसका सेवन करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से उन्हें फ़ायदा होने के बजाय काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर आप अलसी का सेवन करने या इसे अपने डाइट में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि आप इसका सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं। अलसी के बीज के फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन अपने मन से इसका सेवन करने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से मिलकर उनकी राय जरूर लें। आगे वीडियो में हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसकी स्थिति में आपको इसके सेवन से परहेज करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, तो आपको अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप खून को पतला करने वाली दवा या दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो आपको अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप आँख से संबंधित किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो अलसी का सेवन ना करें। हार्मोनल असंतुलन या एंडोमेट्रियोसिस की स्थिति में अलसी के सेवन से आपको बचना चाहिए। अलसी के नुकसान तभी होता है जब आप इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में या फिर अपने मन मुताबिक करते हैं। अगर आप इसके सभी फ़ायदों का लाभ बिना किसी नुकसान के उठाना चाहते हैं, तो इसका सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनकी राय अवश्य लें। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।